नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बॉन्स में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको याद होगा हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक प्लांट भेजा था ड्रैगन फ्रूट का, तो उसके जो मैंने लगाया था ड्रैगन फ्रूट उसका वीडियो शायद मैंने नहीं डाला था, तो आज मैंने उसकी जो क्लिप देखी तो मैंने सोचा आपको इसके अपडेट के साथ जो वीडियो कंप्लीट डाल देता हूं। तो पहले आप वो वीडियो की क्लिप चेक कर लीजिए जब मैंने इसको लगाया था तो किस तरह से मैंने इसको ज़मीन में लगाया था, और फिर आज की अपडेट आपको दिखाता हूं। तो आप ये क्लिप देखिए, फिर मिलते हैं। जो हमारे वीडियोस देखते हैं आरूप जाना, उन्होंने एक प्लांट हमें गिफ्ट किया है, तो चलिए वो हम यहाँ पे प्लांट करते हैं। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पे जो कैक्टस है। चलिए मैं आपको वो कैक्टस दिखाता हूँ जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, और उससे इसको मैच करते हैं। इसके अंदर से ये तीन कोण है और ये चार कोण है, यहाँ पे देखिए। बाकी आई थिंक कोई ज़्यादा खास फर्क इसमें है नहीं। इसको मैंने इस टूटे से पोर्ट पे लगा रखा है बिना पानी दिए। मैं इसको काफ़ी दिन तक पानी देता, और इसके अंदर मिट्टी नहीं है, सिर्फ जो बजरी कंकर होते हैं वो है। इसलिए एक देखिए एक हिस्सा इसका ड्राई हो गया, लेकिन फिर भी इतना ग्रो कर रहा है, ये खुद के पानी से ग्रो कर रहे हैं। चलिए अब इस प्लांट को लगाते हैं। दोस्तों गड्ढा मैंने खोद लिया है, और जो मिट्टी है उसको भी काफ़ी नरम कर दिया देखिए नीचे की। और अब इसके अंदर हम जो है बजरी जो है वो डाल देंगे, क्योंकि इसका जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल इसको पसंद है, तो थोड़ी सी इसके अंदर हम बजरी ऐड कर देंगे। अब इसके प्लांट को थोड़ी सी बजरी और मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और इसके बाद जो यहाँ की मिट्टी है वो हम ऐड कर देंगे। चलिए प्लांट हमने लगा दिया, अब इसके अंदर जो वाटरिंग है वो कर देंगे। एक बार इसमें हम कंप्लीट वाटरिंग करेंगे, यानी कि इसकी जो रूट्स जहाँ तक थी वहाँ तक इसमें अच्छे से जो पानी है वो हम डाल देंगे। तो होप ये प्लांट यहाँ अच्छे से सर्वाइव करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी गर्म इलाका है, यानी गर्मियों में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, और कैक्टस जो है गर्म इलाकों में अच्छे से ग्रो करते हैं। सोइल की बात करें तो यहाँ पे भी जो सोइल है वो वेल्ड्रेन है, बालू रेत है। तो आपने जो क्लिप है वो चेक कर ली होगी। चलिए मैं आपको जो प्लांट है उसकी अपडेट दिखाता हूँ। और इस प्लांट की मैंने कोई केयर नहीं की, मैंने जिस दिन लगाया था उस दिन इसके अंदर वाटरिंग की थी, और एक दो बार बाद में, उसके बाद मैंने कोई वाटरिंग नहीं की। अगर बारिश वगैरह हुई है तो उससे पानी गया, उसके बाद अगर खेत में पानी दिया तो पानी गया, अदरवाइज मैंने इसमें स्पेशल कोई पानी नहीं डाला। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए एक प्लांट तो यहाँ पे है, तो देखिए एक बार तो सर्दी में इनके जो लीव्स हैं वो थोड़ी से वाइट सी प्रॉब्लम सी इसके अंदर आई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और इनको इनके हाल पे छोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये जो है अभी ये जो बिल्ली है इसको तोड़ देती, तो उसके बाद देखिए इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन इसके साथ में एक प्लांट और है यहाँ पे, देखिए ये प्लांट देखिए, इसका ये हिस्सा पुराना वाला है, और ये देखिए बिल्कुल नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो होप इसमें से जो प्लांट है ये दोनों ग्रो करेंगे, लेकिन ये इसकी ग्रोथ थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई है, और इसके अंदर जो घास वगैरह ज़्यादा ग्रो कर गई है। मैंने इसको नहीं निकाला बिल्कुल भी, लेकिन अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो हम इसको निकाल देंगे घास को साइडों से। आई थिंक इनकी जो केयर है वो सेम जो कैक्टस होते हैं वैसे इनकी केयर करनी चाहिए। इनके लिए जो सोइल है वो सैंडी सोइल अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।